वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले 12th न्यू सिलेबस चैप्टर फर्स्ट मैथमेटोलॉजिक एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 पिछले लेक्चर में देखा था। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। और हम देखने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें इसका निगेशन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, चलिए यहाँ पे हमें इसे लिखना है ऐसे, इसे हम पहले पी और यहाँ पे क्यू, यहाँ पे और के साइन के लिए, ओके, उसका साइन और का। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट पी, ओके, पी में हम एक्स से लेंगे 11, तो एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 11, एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 11। और उसके बाद क्यू में वाई से लेके 6 तक, वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, निगेशन करना है। तो हम यहाँ पे पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेंगे, देयरफॉर इट्स, कहेंगे सिंबॉलिक फॉर्म इज, ओके, यहाँ पे पी, यहाँ पे और का साइन देन क्यू, पी और साइन एंड क्यू, ओके, सिंपल। और यहाँ पे लिखेंगे इसका निगेशन, जिसके बाद हम क्या करेंगे, इसका निगेशन करेंगे, लिखेंगे इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, ओके, यहाँ पे जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया गया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके निगेशन लगाएंगे। पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ लिख लेते हैं, पी और क्यू, इसके पहले क्या लगाएंगे, निगेशन साइन। तो इसका क्या हो गया, अभी निगेशन हो गया। तो इससे निगेशन का साइन जब हम अंदर लिखे जाएंगे, यहाँ पे जब ये अंदर जाएगा निगेशन पी और क्या हो जाएगा, उसका एंड हो जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ निगेशन और यहाँ क्यू, ओके, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में इसे हम सेंटेंस में लिखेंगे, यहाँ पे इसे निगेशन सेंटेंस में लिखेंगे, लिखेंगे निगेशन, यहाँ पे साथ में निगेशन ऑफ गिवन कॉम्पाउंड सेंटेंस, ओके, निगेशन ऑफ द गिवन कॉम्पाउंड सेंटेंस स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट इज, यहाँ पे पहले एज इट इज, यहाँ पे मैं चेंजेस कहाँ कहाँ करने, इसको निगेशन में करने के लिए, यहाँ पे देखिए जब भी साइन, यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी साइन आपको ऐसा दिया रहेगा, यहाँ पे इसको ऐसे करना है स्मॉलर में, ओके, इसका जो है ये चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे ऐसा, और यहाँ पे इसे आप कट भी कर सकते हैं, बट ऐसा लुकआउट इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर इक्वल दिया रहेगा, इक्वल पे आप क्या कर देंगे, कट कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम जो साइन चेंज करेंगे ऐसा, यहाँ पे ऐसा दिया गया है ग्रेटर में, तो इसे हम क्या कर देंगे, स्मॉलर, और यहाँ पे नीचे इक्वल, ओके, स्मॉलर इक्वल, यहाँ पे 11, और यहाँ पे क्या था, एंड कर दिया ना हमने, और का क्या कर दिया, एंड कर दिया, उसे भी लिखेंगे। और यहाँ पे निगेशन तो उसमें हम करेंगे y माइनस 3, यहाँ पे इक्वल है तो क्या, इक्वल को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, और देन 6। यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन फर्स्ट ये हो गया। यहाँ पे आपको इतना ही करना है। यहाँ नेक्स्ट अब हम सब क्वेश्चन 2 करते हैं। यहाँ पे 11 स्मॉलर देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 50, ओके, तो यहाँ हम पहले इसका हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट पी, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, और यहाँ क्यू में ये सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे फर्स्ट, ये हम पी बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे। और यहाँ पे एंड के साइन के लिए क्या रहेगा, लाइक दिस, यहाँ पे 25 ग्रेटर देन
50। तो इसके बाद हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, लिखेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज दिस पी दिस एंड दिस क्यू। ओके सिंपल, यहाँ पे हम इसका कम्युनिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। लिखेंगे हम इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन इज, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसे एज इट इज लिखेंगे फर्स्ट, पी एंड क्यू इक्विवेलेंट का साइन। यहाँ पे हम इसे निगेशन करके इसके पीछे निगेशन लगा के इसे हम ऐसा लिख देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम जब निगेशन साइन अंदर लेके जाएंगे तो ये जो एंड है इंटरचेंज हो जाएगा किस में, और में हो जाएगा। तो यहाँ पे निगेशन पी एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे निगेशन क्यू। तो सिंपल हमने यहाँ पे इसका निगेशन है जो कर लिया। यहाँ पे अब हम क्या इसे सेंटेंस में लिखेंगे, एक एज ए स्टेटमेंट टाइप लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ पहले निगेशन ऑफ गिवन कॉम्पाउंड स्टेटमेंट इज। ओके तो यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट का डायरेक्ट इसका निगेशन में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमें साइंस है वो कैसे कैसे कन्वर्ट करने हैं, मैं वापस से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ऐसा रहेगा तो आप कैसे करेंगे, आप इसे ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ओके अगर यहाँ पे आपको ऐसा दिया गया रहेगा तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है, सिंपल। अगर इक्वल का साइन है तो कट करना है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों ही साइन दिया गया है तो हम उनका कन्वर्जन इसमें करेंगे, करते यहाँ पे हम पहला फर्स्ट का करते 11 क्या यहाँ पे स्मॉलर देन, तो इसे क्या हम कर देंगे ग्रेटर इक्वल 15। यहाँ पे हमने क्या कर दिया था एंड का और कर दिया था, तो और लिखेंगे यहाँ। इसके बाद यहाँ पे 25 इसका हम क्या कर देंगे ऐसा लिख के यहाँ पे इक्वल 50। ओके सिंपल, यहाँ पे हमने इसका क्या कर दिया निगेशन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम सब क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ देन इट इज़ अ रोम्बस। ओके तो यहाँ पे हम पहले से पी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ आपको साइन याद रखना है इसके लिए डबल एरो आएगा इफ एंड ओनली इफ के लिए। ओके यहाँ पे मैं आपको पहले बता देता हूँ, पी में हम लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्यू में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्यू का रहेगा और ये पी का रहेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट पी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए स्क्वायर लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर सिंपल। यहाँ पे क्यू में लिखेंगे इट्स इट इज अ रोम्बस। ओके और इसके बाद हम क्या करेंगे जो सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, लिखेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ पे इस यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू यहाँ पे इफ देन साइन के लिए मैंने बताया क्या होगा डबल एरो होगा। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे पी डबल एरो इफ देन ओनली इफ यहाँ पे क्यू पे सब ब्रैकेट। ओके और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके बाद इसका निगेशन करेंगे, लिखेंगे इट्स निगेशन इज यहाँ पे इसके पहले हम क्या करेंगे निगेशन का साइन डालेंगे, लिखेंगे यहाँ निगेशन पी इफ देन ओनली इफ क्यू इक्विवेलेंट। ओके इक्विवेलेंट
ये साइन क्या करेंगे, हम बारी रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने आपको स्टेप बताया था बेसिस, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आप इससे समझ जाएंगे इसका क्या करना है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे इसे इफ़ देन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इफ़ एंड ऑनली इफ़ को इफ़ देन में फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे ऐसा लिखेंगे, निगेशन यहाँ पे ब्रैकेट बड़ा, यहाँ पे पी इफ़ देन क्यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्यू को पहले लिखेंगे, पी को बाद में, और यहाँ पे हमें क्या करना है, एंड का साइन लगाना है। यहाँ पे क्यू इफ़ देन पी, यहाँ पे आपको ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट बनाना है, और यहाँ पे निगेशन का साइन बाहर ही रखना है। और इसके बाद यहाँ पे निगेशन, ओके, यहाँ पे हम इसका कन्वर्जन किस में करेंगे मैं आपको बता देता हूँ वापस से। यहाँ पे पी इफ देन क्यू रहेगा, तो यहाँ पे इसे हम पहले निगेशन पी करेंगे, ओके, यहाँ पे और क्यू, तो इसका हमने कन्वर्जन किसमें करना है, इसमें करना है। तो हम यहाँ पे ये, यहाँ पे निगेशन साइन पहला लगेगा और यहाँ पे और का साइन लगेगा, करते हैं। यहाँ पे पी निगेशन पी हो जाएगा, उसके बाद और क्यू हो जाएगा, यहाँ पे एंड एज इट इज़, यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे निगेशन क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे और का साइन क्या पी, ओके, वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल जो हमने दो स्टेप अभी कर लिया, यहाँ पे थर्ड स्टेप करते हैं, यहाँ पे निगेशन, ओके, निगेशन पी क्यू ये ब्रैकेट में रहेगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो इसको भी वापस से लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे मैं आपको ये दोनों स्टेप सेम बताया कि आप जब लिखें तो आपको याद रहे। तो ओके, आप जब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो जो ये निगेशन है, यहाँ पे हम आप करेंगे इसे अंदर भेजेंगे, अंदर मतलब इस ब्रैकेट के पास और इस ब्रैकेट के पास, और इसमें जो साइन है वो क्या होगा, चेंज होगा, यहाँ पे एंड तो नीचे और हो जाएगा, करते यहाँ पे, यहाँ पे इसका साइन निगेशन का ब्रैकेट के बाद, ये हमने बड़ा ब्रैकेट हटा दिया है, यहाँ पे निगेशन पी अंडर का ब्रैकेट एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है, ये एंड है तो इसका क्या कर देंगे, और कर देंगे, यहाँ पे निगेशन इस ब्रैकेट के बाद, यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे और एंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी और ये ब्रैकेट। अभी आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे जो निगेशन है यहाँ पे, इसे हम क्या करेंगे, अब अंदर भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे जब हम इसे अंदर भेजेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ पहले, यहाँ पे निगेशन पी, निगेशन पी मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, यहाँ पे निगेशन, निगेशन मतलब माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब पी। तो हम यहाँ पे इसके लिए डायरेक्ट पी करेंगे, ओके, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट पी, और ये साइन यहाँ पे और का एज इट इज़, और यहाँ पे नहीं है कुछ, ये क्या हो जाएगा, निगेशन में हो जाएगा। अगर यहाँ पे निगेशन रहता तो ये भी निगेशन नहीं रहता, तो निगेशन जो होता डबल डबल करके वो हट जाता। अब सिंपल एक ही है, और यहाँ पे और का साइन, यहाँ पे भी निगेशन ऐसे ही होगा, यहाँ का भी निगेशन क्या होगा, हट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे और का साइन, यहाँ पे निगेशन नहीं, तो यहाँ पे निगेशन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे हमें निगेशन क्या करना है, यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसका जो पूरा सॉल्यूशन था वो हो गया निगेशन में कन्वर्ट का, ओके। तो हम यहाँ पे इसके बाद नीचे का हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट तो इसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसे हम जैसे यहाँ पे हमने किया, इसी में इसका निगेशन का एक कंपाउंड जो सेंटेंस है उसे हम लिखेंगे अब। तो यहाँ पे हम देखते थे, आपको यहाँ पे करते टाइम ध्यान से देखना है, पी है तो यहाँ पे जो पी देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए स्क्वायर, ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे किसका साइन है, और का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे, ओके। यहाँ पे हम सब क्वेश्चन थर्ड देखते हैं,
क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर। ओके, यहाँ से आपको पहला पी यहाँ पे अज्यूम करना है, पी इफ एंड ओनली इफ है तो हम यहाँ पे डबल एरो। ओके, हम क्या करेंगे यहाँ पे डबल एरो यूज करेंगे। और यहाँ पे आगे इट इज द रोम्बस, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में लेट पी क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर एंड इफ एंड ओनली इफ, बाद में सिम्बॉलिक में कन्वर्ट करेंगे तब यहाँ पे अब इट इज अ रोम्बस, इट इज अ रोम्बस। ओके, यहाँ पे हम सब सिम्बॉलिक करेंगे, इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म इज। ओके, हम सिम्बॉलिक करेंगे तो पी क्यू। ओके, यहाँ पे लिख देते पी, यहाँ पे इफ एंड ओनली साइन, देन क्यू। अब हम इसका क्या करेंगे, निगेशन करेंगे, इट निगेशन, इट निगेशन इज। ओके, तो यहाँ पे हम इसे पहले एज इट इज लिखेंगे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसके आगे निगेशन का साइन लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया इसका, निगेशन हो गया। बट हम वापस जो ये है इसे ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्ट, तो यहाँ पे इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लिख देते हैं जब पी इफ देन क्यू होता है। ओके, तो उसे हम क्या करते हैं, पी इफ देन, सॉरी यहाँ पे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू होता है तो पी इफ देन करेंगे उसे, उसके बाद यहाँ पे साइन रहेगा एंड का, और यहाँ पे इसके बाद क्यू पहले लिखेंगे, इफ देन करेंगे वापस यहाँ पे पी। ओके, सिंपल, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब इसे हम ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट बना देते पहले, यहाँ पे बाहर निगेशन रहेगा, यहाँ पे लिखेंगे पी इफ देन क्यू एंड क्यू इफ देन पी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसे हमें सॉल्व करना है। अब इसके हम डायरेक्ट करने के लिए इसका भी यहाँ पे फॉर्मूला है बता देते हैं हम, पी इफ देन क्यू होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निगेशन पी, यहाँ पे और उसके बाद क्यू। ओके, यहाँ पे इसे आपको ऐसे सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको बीच में और का साइन रखना, और यहाँ पे क्या रहेगा, एंड रहेगा। एम एफ इफ एंड ऑन लिप से इसे इफ देन में कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे हम इसे बाहरी रखते हैं निगेशन साइन को, और यहाँ पे इसका निगेशन पी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एंड, यहाँ पे निगेशन क्यू, यहाँ पे और, यहाँ पे पी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या है, दो ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम थर्ड में क्या करेंगे, ये जो निगेशन है इसे हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। तो हम इसे यहाँ पे फर्स्ट ए ब्रैकेट में और सेकंड ए ब्रैकेट में, और यहाँ पे जो ये साइन है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये और एंड है तो क्या हो जाएगा, वो और हो जाएगा। यहाँ पे लिखते निगेशन पी, यहाँ पे एंड, और ए, यहाँ पे एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एंड का और हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन साइन, यहाँ पे निगेशन क्यू और पी। तो आपको ध्यान रखना, जब हम यहाँ पे निगेशन साइन अंदर लेके गए, अगर निगेशन साइन इसके अंदर लेके जाएंगे तो इसका भी जो अंदर का साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे निगेशन निगेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं वापस से बता देता हूँ, आपको बताया था बेसिक लेक्चर में जो एक्सरसाइज हमने 1.3 का स्टार्टिंग किया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, उसमें मैंने आपको बेस बताया था 10 मिनट का। ओके, तो यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो ये
पी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन क्यू हो जाएगा, और ये एज इट इज़ अब। और यहाँ पे हम इसे अंदर लेके जाएंगे तो ये क्यू हो जाएगा, और ये और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन पी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो ब्रैकेट है अभी ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे निगेशन ऑफ द गिवन कॉम्पाउंड स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ओके, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में। यहाँ पे हमने इसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म किया था, अब इसे हम वापस से, ये सिंबॉलिक फॉर्म है, अब इसे हम क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, निगेशन कर देंगे। ओके, लिखते हैं यहाँ पे, हम देखेंगे पहले पी है, तो पी में क्या, क्वाड्रिलेटरल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर ओके, और यहाँ पे इसका एंड साइन है, तो एंड यहाँ पे निगेशन क्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसका इट इज़ अ रोम्बस का क्या कर देंगे, निगेशन कर देंगे, इट इज़ नॉट अ रोम्बस कर देंगे हम। ओके, लिखेंगे इट इज नॉट अ रोम्बस, हमने यहाँ तक पहले कर लिया। यहाँ पे और का साइन और करेंगे, यहाँ पे इसका क्यूब है, तो क्या करेंगे हम, लिखेंगे डायरेक्ट इट इज अ रोम्बस, इसके बाद नेगेशन पी है, तो अब हम इसका नॉट कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर लिखेंगे। ओके, क्वाड्रिलेटरल, ओके यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल इज अ नॉट अ स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पे इसका आंसर जो है मेन कंपाउंड स्टेट में ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सब क्वेश्चन थर्ड भी कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन फोर देखते हैं। इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, ओके यहाँ पे हमें इट इज़ कोल्ड, और यहाँ पे हमें जो क्यों लिखेंगे वहाँ पे हम इट इज़ रेनिंग करेंगे, और यहाँ पे एंड का साइन सिंपल, यहाँ पे हम इसे क्यों करेंगे, यहाँ पे इसे हम पी करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, सॉरी यहाँ पे आके लेट पी इट इज़ कोल्ड, और यहाँ पे क्यू में इट इज़ रेनिंग। ओके, यहाँ पे इट इज़ कोल्ड, यहाँ पे इट इज़ रेनिंग, और यहाँ पे इसके बाद हम इसका इट्स सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे यहाँ पे। ओके, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ पे हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे पी एंड क्यू। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसका निगेशन करेंगे, इट्स निगेशन इज, तो यहाँ पे इसके पहले हम क्या कर देंगे, निगेशन का साइन लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका निगेशन किया, और हम निगेशन क्या करेंगे, अभी अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे जब हम निगेशन को अंदर भेजेंगे, तो निगेशन पी ये जो साइन एंड का ये और में हो जाएगा, और यहाँ पे निगेशन क्यू हो जाएगा। ओके, इसके बाद लिखेंगे हम निगेशन ऑफ द
गिवेन कॉम्पाउंड स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज ओके। तो यहाँ पे अभी हम इसका जो है कंपाउंड करेंगे, हम किसका करना है कंपाउंड इसका। इट इज़ कोल्ड तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट कोल्ड। और यहाँ पे क्या है और का साइन, इट इज़ रेनिंग तो क्या हो जाएगा, नॉट रेनिंग। जैसे यहाँ पे हमें ऐसा दिया है सेंटेंस, तो वैसे में हम कन्वर्जन इसका जो है करेंगे, लिखेंगे इट इज़ नॉट कोल्ड। यहाँ पे और का साइन और नॉट रेनिंग ओके। तो सिंपल आपको ये क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 4 है, तो यहाँ पे आपको इसे ऐसा करना है, ये सिंपल है ओके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे सब क्वेश्चन 5 देखते हैं। इफ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल ओके। यहाँ पे हमें पहले इफ देन मिल गया, उसके बाद हमें क्या मिल गया, एंड मिल गया, सिंपल। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका 3 में होगा। यहाँ पे पहले हम इफ देन देखेंगे, उसके बाद हमें क्या दिया गया, एंड। तो यहाँ पे हमें 3 बनाना पड़ेगा, पी क्यू आर ओके। यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस, पहले पहला फर्स्ट पी के लिए इट इज़ रेनिंग एंड देन वी विल गो क्यू। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे कंजक्शन आ गया एंड। और यहाँ पे प्ले फुटबॉल क्या हो गया, ए आर हो गया, पी क्यू आर हो गया ओके। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट पी क्या है, इट इज रेनिंग ओके, देन क्यू वी विल गो क्या लिखा है, वी विल गो। यहाँ पे एंड या कंजक्शन, यहाँ पे थर्ड आर प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे हम इसे साथ में लिखेंगे, ये फुल सेंटेंस हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे वी विल क्या लिखेंगे, प्ले फुटबॉल ओके, वी विल प्ले फुटबॉल। यहाँ पे हम जो थर्ड है आर सेंटेंस स्टेटमेंट ऐसा लिखेंगे ओके। तो यहाँ पे इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे उसका निगेशन। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, यहाँ पे पी है ओके, पी क्या है, इफ देन है। तो पी के लिए हम क्या करेंगे, इफ देन। उसके बाद क्या दिया है, वी विल गो एंड, यहाँ पे दोनों साथ में दिया गया एंड है। तो हम यहाँ पे क्यू लिखेंगे, क्यू यहाँ पे एंड के लिए साइन, यहाँ पे आर ओके। तो यहाँ पे ये जो है इसका सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे भी आपको एक आगे स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको इसके लिए बताया था कि जो अभी हमें क्या करना है, इसका पी इफ देन है। तो इसका हम जब साइन में, नॉर्मल साइन में इसके लिए कन्वर्जन करेंगे, कन्वर्ट के लिए, तो निगेशन पीक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अगर यहाँ पे आगे क्यू रहता तो क्या आ गया, क्यू हो जाता। बट यहाँ पे हमें इतना ही दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसका जो स्टेप है इतना ही फॉलो करेंगे ओके। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, रफ वर्क। तो यहाँ हम लिखेंगे अब इसके निगेशन पी और साइन, इसके बाद हम क्या है पूरा लिख देंगे ऐसे ही, ऐसे डिज ब्रैकेट ओके सिंपल। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका निगेशन करेंगे, लिखेंगे इट्स निगेशन इज, यहाँ पे पहले हम इसको एज इट इज नीचे हम लिख देंगे निगेशन पी आर क्यू एंड आर ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हम ब्रैकेट दे देंगे निगेशन और इसका ब्रैकेट। यहाँ पे हमने इसका निगेशन किया, बट यहाँ पे इसे हम क्या निगेशन को अंदर लेके जाके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आगे का स्टेप देखते हैं, यहाँ पे अगर निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन निगेशन क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव पी हो जाएगा ओके।
यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा, तो अंदर ये साइन क्या होगा, ये जो और है ये किस में हो जाएगा, एंड में हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे हम एंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हो गया सिंपल। यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये जो यहाँ पे निगेशन, इसे हम क्या करेंगे, अंदर लेके जाएंगे। निगेशन जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, निगेशन क्यों हो जाएगा, और यहाँ पे जो साइन है क्या एंड में, तो और में हो जाएगा, फिर निगेशन आर। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा निगेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ, एट द हमें एंड ये मिला। तो इसके बाद हम आगे का जो प्रोसेस वो करते, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे निगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ओके, लिखेंगे निगेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें पी है तो पी एज इट इज़ लिखेंगे हम, तो क्योंकि हम क्या लिख देंगे इसके आगे, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे हम जो पी था हमने इसे एज इट इज़ उतार लिया, यहाँ पे नेगेशन साइन नहीं है, और यहाँ पे क्या है, ये एंड है तो लिखेंगे एंड। ओके, यहाँ पे एंड इसके बाद निगेशन में वी विल नॉट गो हो जाएगा। ओके, वी विल गो का वी विल क्या हो जाएगा, नॉट गो, तो लिखेंगे वी विल नॉट गो। ओके, यहाँ पे क्या है, और का साइन और, यहाँ पे निगेशन आ रहा है तो यहाँ पे भी निगेशन हो जाएगा, इसका नॉट लगेगा, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल हो जाएगा, We will not play football. Okay, तो सिंपल जो क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन फाइव था वो हमने देख लिया, तो ये इजी था बहुत। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट सब क्वेश्चन सिक्स्थ वन देखते हैं। रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर, यहाँ पे हमें इसका निगेशन करना है। तो इसका निगेशन में यहाँ पे हमें ना कोई पी क्यू आर के लेट करना है, ओके, ना इसे हमें यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म लगना है, इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, निगेशन करेंगे। तो निगेशन में हमें इसका क्या कर देंगे, नॉट में कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। बट सर इसका तो मीनिंग चेंज हो गया, नहीं चलेगा। ओके, यहाँ पे इसका मीनिंग चलेगा, यहाँ पे जो मीनिंग चेंजेस रहेंगे वो चलेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली इसे नॉट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इस ऊपर आपको स्टेप और एक लाइन लिखना है, इट्स निगेशन इज, इट्स निगेशन। ओके, यहाँ पे हमने एक लाइन नहीं लिखा था, इट्स निगेशन इज, सिंपली आपको यहाँ पे दो लाइन लिखना है, यहाँ पे लिखना निगेशन। ओके, यहाँ पे इसका नॉट में करके इसका कन्वर्जन करके आपको इस पर मार्क्स जो है मिल जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो यहाँ पे हमने जैसा ऊपर किया था यहाँ पे हमें नीचे भी वैसे करना है। लिखेंगे हम इट्स निगेशन इज। ओके, तो हम यहाँ पे इसे भी नेगेटिव निगेशन इसका करेंगे। यहाँ पे जो ऑल है यहाँ पे आपको लिखना है सम, यहाँ पे आपको ध्यान देना है यूनिक क्वेश्चन है सबसे। यहाँ पे जो ऑल है यहाँ पे इसका क्या करेंगे, सम करेंगे, इसका नेचुरल ऑल नेचुरल, और यहाँ पे एल नेचुरल नंबर आर नॉट, ओके, आर नॉट होल नंबर, सिंपल। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर ऑल दिया रहेगा तो यहाँ पे आपको इसका सम करना है, तो यहाँ पे आपने इसको सिंपली जो है निगेशन किया। नेक्स्ट देखते हैं, एट सब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट्स निगेशन इज। ओके, इट निगेशन इज, यहाँ पे मैं पहले आपको इसका जो बेस है वो बता देता हूँ, यहाँ पे हम इसका कन्वर्ट कैसे करेंगे।
अगर यहाँ पे आपको फॉर ऑल दिया रहेगा तो यहाँ पे आप इसका क्या करेंगे, देयर एग्ज़िट कर देंगे, और यहाँ पे इसका जो निगेशन है वो करेंगे। अगर यहाँ पे आपको देयर एग्ज़िट दिया रहेगा तो क्या कर देंगे हम, फॉर ऑल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका जो बेस हो गया, तो यहाँ पे आप पहले जैसे हमने वहाँ पे ऑल का सम किया था वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर ऑल का क्या कर देंगे, देयर एग्ज़िट करेंगे, लिखेंगे देयर एग्ज़िट एन बिलोंग्स टू एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज़ नॉट। ओके, यहाँ पे इसका निगेशन में इज़ नॉट डिविजिबल बाय फोर, सिंपल। यहाँ पे हम इसका ऐसा करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, पहले पहले हमने ये ध्यान से देखा, इसका हमने क्या कर दिया, देयर एग्ज़िट कर दिया फॉर ऑल का। यहाँ पे आपको इसका ध्यान देना है, जब भी आता है तो यहाँ पे आपको देयर एग्ज़िट इसका कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है देयर एग्जिस्ट एल बिलोंग टू एक्स बिलोंग टू सच दैट एक्स माइनस सेवनटीन स्मॉलर देन ट्वेंटी। ओके, तो यहाँ पे हम इसका ऐसा करेंगे, लिखेंगे इट्स निगेशन इज, तो यहाँ पे हम देयर एग्जिट तो मैंने ऊपर बताया था किसका क्या कर देंगे हम, फॉर ऑल कर देंगे। अगर फॉर ऑल दिया रहेगा तो क्या कर देंगे, देयर एग्जिट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देयर एग्जिट का क्या करेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन सर्च दैट एक्स माइनस सेवनटीन। ओके, तो यहाँ पे हम जो नॉट का काम करते थे, यहाँ पे हम इसके साथ करेंगे, ये जो दिया है हम इसे क्या कर देंगे, ऐसे इक्वल 20। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका निगेशन कर दिया। यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, राइट कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, बट अगर आप इसी पार्ट को डायरेक्ट देख रहे हैं, और मैं यहाँ पे वापस से इसका जो बेस बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको P इफ देन Q दिया है तो इसका हम क्या करेंगे, कन्वर्स जो है वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ कन्वर्स। यहाँ पे हम कन्वर्स में इसके क्या करते क्या है, ये जो इसे आगे पीछे कर देते हो। ओके, सिंपल, यहाँ पे Q है तो पहले हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, सिंपल। और इनवर्स में, इनवर्स में P इफ देन Q है। ओके, पी इफ देन क्यू है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसमें निगेशन दोनों में लगा देंगे, निगेशन पी हो जाएगा और निगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यहाँ पे हम इसके साथ क्या करते हैं, जो पी इफ देन क्यू है इसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे, जिसको मैंने पिछले पार्ट वन में अच्छी तरह बताया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे, तो इसमें उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव का मतलब निगेशन कर देंगे। पहले हम इसको ऐसा लिखेंगे, ओके, यहाँ पे हम पहले इसका आगे पीछे करेंगे, क्यू इफ देन पी, यहाँ पे बाद में निगेशन। तो ओके, यहाँ पे सिंपली हमने क्या देखा, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कन्वर्स। ओके, तो हम एक्सरसाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सब क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया, इफ़ एक्स स्मॉलर देन वाई देन एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया यहाँ पे, स्मॉलर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम वापस से जो पिछली बार जैसे हमने किया था पी क्यू का पहले फॉर्म लिखे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट, इसे हम क्या मानेंगे, पी, और यहाँ पे ये क्यू, और यहाँ पे इफ देन का साइन जो है सिंगल एरो। ओके, यहाँ पे हम पी में लिखेंगे पी, लेट पी क्या हो गया, एक्स स्मॉलर देन वाई हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर, स्मॉलर देन वाई स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म, एट सिंबॉलिक फॉर्म इज। ओके, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इट्स सिम्बॉलिक फॉर्म इज, हमने पी इफ देन क्या करेंगे, क्यू, पी इफ देन
क्यू, ओके। इसके बाद हम इससे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इसमें कन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव हमने यहाँ तक कर लिया, ओके। इसका सिंबॉलिक फॉर्म करने का हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्स में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच कन्वर्स, ओके, इट्स कन्वर्स इज किसका हम करेंगे, इसका पी इफ देन क्यू, जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया था। यहाँ पे सेम जो है वैसा ही दिया गया है। कन्वर्स में हम क्या करते जो ये है पी क्यू को आगे पीछे करते, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम इसके बाद में इसे आगे पीछे करेंगे, क्यू इफ देन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आप हम इसे सेंटेंस में लिखेंगे इफ़ क्या पहले क्यू है, तो यहाँ पे हम क्यू लिखेंगे, क्यू स्क्वायर स्मॉलर स्मॉलर देन वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है इफ देन का साइन है, तो इफ यहाँ पे देन, ओके, इफ देन, उसके बाद है पी, यहाँ पे क्या है पी है तो पी एक्स स्मॉलर देन वाई, ओके। यहाँ पे हमने कन्वर्स किया, इसके बाद हम इसका देखेंगे इनवर्स, ओके। यहाँ पे हम नीचे इन्वर्स करते हैं, इसका लिखेंगे हम एट इन्वर्स इज, पहले हम यहाँ पे इसका ए करेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं इन्वर्स में, इसे नेगेटिव में करते हैं, नेगेटिव निगेशन पी हो जाएगा, इन्वर्स निगेशन क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, निगेशन पी का क्या होगा, यहाँ पे एक्स क्या है स्मॉलर है, तो यहाँ पे इसका निगेशन करेंगे हम, लिखेंगे इसे नहीं एक्स, इसका क्या ऐसे साइन हो जाएगा, ओके। मैं यहाँ पे आपको वापस से याद दिला देता हूँ, यहाँ पे हमने कैसे किया, यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा साइन तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा इक्वल, ओके। यहाँ पे स्मॉलर तो यहाँ बिगर ऐसे, अगर यहाँ पे हमें ऐसे दिया गया है तो इसका क्या हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन, ओके, नीचे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब वाई लिखेंगे और यहाँ पे क्यू है तो क्यू के लिए एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या है, यहाँ पे ए है तो, ओके, यहाँ पे क्या है ये है तो ये करेंगे वाई स्क्वायर, यहाँ पे इफ देन का साइन तो इफ देन, सिंपल, हमने ये भी देख लिया। और यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, लिखेंगे इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इट कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, ओके, यहाँ पे पी इफ देन क्यू। तो पहले हम क्या करेंगे इसका, पहले हम इसका क्या करेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्स करेंगे, उसके बाद उसमें क्या कर देंगे हम नेगेशन का साइन लगा देंगे, ओके, सिंपल। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आगे पीछे फजले किया, उसके बाद हमने क्या किया इसमें यहाँ पे नेगेशन का साइन लगा दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, यहाँ पे फर्स्ट क्या है नेगेशन क्यू है, ओके, यहाँ पे क्या पहले नेगेशन क्यू है, यहाँ पे इसके नेगेशन कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर ये क्या है स्मॉलर है, तो इसका साइन ऐसे कर देंगे और यहाँ पे इक्वल का साइन यहाँ पे वाई स्क्वायर और देन करेंगे, यहाँ इफ देन है इसलिए, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे पी का निगेशन करेंगे, पी का साइन ऐसा 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 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सिंपल जो हमने हो गया। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले हम जान लेते हैं, ओके, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, क्योंकि ये थोड़ा जो है यूनिक क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे पहले देखते क्या किया, पहले यहाँ पे हमने पहले पी क्यू लिया, यहाँ पे पहले हमने से डिस्टिंग्विश किया पी क्यू में इफ देन का साइन है, ओके, इफ देन उसका ये किया पी क्यू में, उसके बाद हमने इसका क्या किया सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, ओके, देन है पी क्यू, सिंपल। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया था कन्वर्स करना है इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव, यहाँ पे हमने कन्वर्स किया इनवर्स काउंटर पॉजिटिव। कन्वर्स में क्या होता है, ये जो पी इफ देन क्यू होता है ये आगे पीछे हो जाता है, और यहाँ इनवर्स में ये आगे पीछे तो नहीं होता, बट यहाँ पे क्या हो जाता है इसमें डायरेक्ट क्या होता है निगेशन लग जाता है। और काउंटर पॉजिटिव में आगे पीछे होता है
उसके बाद क्या लगता है, निगेशन का साइन लगता है। ओके, तो हमने इसे यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सब क्वेश्चन सेकंड, अ फैमिली बिकम लिटरेट इफ द वोमेन इन इट इज लिटरेट। ओके, तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को देखोगे बोलोगे सर इसमें इफ देन कहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप दिया गया है। यहाँ पे आपको उसको क्रिएट करना है पहले। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इफ वुमेन क्या इन इट इज लिटरेट। ओके, इफ वुमेन इट इज लिटरेट देन फैमिली बिकम लिटरेट। ओके, आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो इसमें कुछ जो सॉल्व करने का तरीका अलग है, यहाँ पे मैं आपको जो पूरा जो सम है वो करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद आपको लिखना है लेट। ओके, जैसे नॉर्मली हम बाकी सब क्वेश्चन करते हैं वैसा करना है। यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी डी लिख दिया हमने। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले द वूमेन इन फैमिली इज लिटरेट। ओके, यहाँ पे हमें जो ऐसा लिखना है पी में, हमें क्या करना है ऐसे लिखना है और क्यों देखते हैं फैमिली बिकम लिटरेट ऐसे लिखना। ओके, यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, फैमिली बिकम फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, यहाँ पे हम इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। ओके, यहाँ पे पी इफ देन क्यू, सिंपल इफ देन दिस पी एंड दिस क्यू। फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे हम। इट्स कन्वर्स इज। ओके, तो कन्वर्स में क्या होता है, ये जो पी इफ देन क्यू है क्या हो जाता है, आगे पीछे होता है, क्यू इफ देन पी। ओके, तो हम यहाँ पे इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले यहाँ पे हमें क्यू दिया है फैमिली बिकम लिटरेट, तो हम कैसे लिखेंगे, इफ फैमिली बिकम लिटरेट, इफ फैमिली बिकम्स लिटरेट। ओके, तो यहाँ पे हम अभी जो पी है इसमें क्या ज्वाइन कर देंगे, देन कर देंगे, लिखेंगे देन द वोमेन इन फैमिली इज लिटरेट। ओके, यहाँ पे क्या कर देंगे, इज लिटरेट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इनवर्स देखेंगे, यहाँ पे कन्वर्स जो था वो हो गया। ओके, यहाँ पे इनवर्स लिखेंगे, इट्स इनवर्स इज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है इनवर्स लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें सिंबल में जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसमें क्या, निगेशन डायरेक्ट लगाएंगे इनवर्स में। कन्वर्स में तो आगे पीछे था, यहाँ पे इनवर्स में क्या है, निगेशन। यहाँ पे पी है तो क्या, निगेशन पी। यहाँ पे इफ देन निगेशन क्यू। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसका पी निगेशन देखते हैं, द वूमेन इन द फैमिली इज लिटरेट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इफ वोमेन इन द फैमिली। ओके, इन द फैमिली इज नॉट लिटरेट। यहाँ पे क्या है, निगेशन है, तो क्या होगा, हम उसे नॉट में करना है, लिटरेट। ओके, इज नॉट लिटरेट देन, यहाँ पे क्यों निगेशन में। ओके, फैमिली बिकम लिटरेट का क्या हो जाएगा, फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने के लिए ये हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, डज नॉट। ओके, नॉट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डज नॉट। तो हम लिखेंगे ऐसे,
देन द फैमिली, देन द फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट. ओके, डज नॉट बिकम लिटरेट. सिंपल. नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव. अब यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज. ओके, यहाँ पे एट कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज, तो हमने यहाँ पे इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा निगेशन क्यू इफ देन निगेशन पी. कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले इससे हम क्या करते हैं, इनवर्स कन्वर्स करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, निगेशन का साइन लगाते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें अभी निगेशन में करना है, तो यहाँ पे हमने ऊपर भी निगेशन में लिखा था, तो वैसे ही आपको सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, क्यू में उतारना है. उसके बाद यहाँ पे पहला ए वुमेन से लेके लिटरेट तक उतारना है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे, लिखेंगे इफ. ओके, यहाँ पे इफ सिंपल, तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इफ द वुमेन, इफ सॉरी इफ फैमिली, यहाँ पे हम क्यू का. ओके, क्यू फैमिली बिकम लिटरेट का क्या कर देंगे, इफ फैमिली डज नॉट बिकम्स लिटरेट देन. ओके, इफ देन हो क्या, इसके बाद हम कहाँ से लिखेंगे, वोमेन लिटरेट. ओके, यहाँ पे निगेशन पे, निगेशन पे द वोमेन इन फैमिली इज लिटरेट, तो हम लिख देंगे द वोमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट. लिखेंगे वोमेन इन द फैमिली इज नॉट, क्या लिख देंगे, इज नॉट लिटरेट. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड सब क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का फिनिश हुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, थर्ड सब क्वेश्चन देखते. इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस. ओके, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, और यहाँ पे सरफेस एरिया से लेके डिक्रीजेस तक हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और प्रेशर इंक्रीजेस तक क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा. सिंपल, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट पी, लेट पी क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस. ओके, और यहाँ पे क्यू हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. तो यहाँ पे ये हमारा जो पी क्यू का फॉर्म था वो हो गया. यहाँ पे लिखेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू है, तो पी इफ देन क्यू. सिंपल, यहाँ पे जो आप देखेंगे इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, सब में सेम बन रहा है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे हम करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे इट्स कन्वर्स इज, कन्वर्स इज. ओके, इट्स कन्वर्स इज, यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू पे क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा. ओके, क्यू पी, पी ए सिंपल, यहाँ पे क्यू पी आगे पीछे हो गया. मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्यू पहले लिखेंगे, प्रेशर इंक्रीजेस क्या लिखें, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन पी लिखेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस. ओके, यहाँ पे सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो हमने क्या किया, क्यू पी हमने क्या लिया, पहले क्यू लिया, प्रेशर इज इंक्रीजेस, तो क्या लिखेंगे, इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस देन पी
सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ओके, यहाँ नीचे लिखेंगे, बाद में क्या लिखेंगे, इट्स इनवर्स इज। ओके, यहाँ पे मैं बार बार लिख रहे हैं, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लिखेंगे इट इनवर्स दिस दिस पी एन क्यू का क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसमें निगेशन लग जाएगा, निगेशन पी इफ देन निगेशन क्यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, निगेशन पी इफ देन निगेशन क्यू, तो हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम इफ। ओके, फर्स्ट क्या रहेगा, इफ रहेगा, तो यहाँ पे हम पी देखेंगे, पी तो इसमें हम निगेशन ऐड करेंगे, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, ऐसे लिखेंगे, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। उसके बाद क्या लिखेंगे, देन। ओके, क्या निगेशन क्यों है, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस हो जाएगा। ओके, लिखेंगे प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस, सिंपल। यहाँ पे इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यहाँ पे हम लिखेंगे इट कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज। तो हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करते हैं, जो पी इफ देन क्यू रहता है, इसे आगे पीछे करके क्या करते हैं, निगेशन लगा देते हैं, आगे पीछे कर दिया हमने, इस पर क्या करते हैं, निगेशन लगा देते हैं। ओके, तो हम इसे अब कैसे लिखेंगे, लिखेंगे हम इफ, ये क्या है, निगेशन क्यू है, तो निगेशन क्यू, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्यू देखेंगे, क्यू में क्या निगेशन ऐड करेंगे, प्रेशर इंक्रीजेस, तो क्या लिखेंगे हम, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। ओके, लिखेंगे प्रेशर डज नॉट, क्या है यहाँ पे निगेशन है इसलिए डज नॉट इंक्रीजेस देन। ओके, देन यहाँ पे क्या है, निगेशन पी, तो निगेशन पी के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीजेस का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, हमने देखा हमने इसे सॉल्व कैसे किया, पहले इसका क्या हमने पी क्यू लिखा, बाद में इसका क्या क्या सिम्बॉलिक फॉर्म निकाला, पी इफ देन क्यू, जो कि सब में सिमिलर है, और यहाँ पे इसका हमने क्या करना है, कन्वर्स करना है, इनवर्स करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ओ किया, तो कन्वर्स में हमने क्या करना रहता है, जो पी इफ देन क्यू रहता है उसे हम आगे पीछे करेंगे, और यहाँ पे पी इफ देन क्यू में क्या करेंगे, डायरेक्ट आगे पीछे ना करते हुए इसमें हम निगेशन ऐड करेंगे, निगेशन पी इफ देन निगेशन क्यू, और काउंटर पॉजिटिव में, काउंटर पॉजिटिव में हम आगे पीछे करने के बाद क्या करेंगे, निगेशन का जो साइन है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सब क्वेश्चन थर्ड है वो कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस, तो हमें सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने थर्ड देखा अभी, वैसे हमें यहाँ पे फोर्थ दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा पी और क्यू रहेगा वो हम देखते हैं, यहाँ पे जो हमारा एक वोल्टेज इंक्रीजेस तक क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और क्या करंट डिक्रीजेस क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और इफ देन हमारा जो साइन है, ओके, इफ देन में क्या रहता है, सिंगुलर। यहाँ देखते हैं नीचे, लेट पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस देन क्यू करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म इज। ओके, क्या हो जाएगा, पी इफ देन
क्यू। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका क्या लिखेंगे, इट्स कन्वर्स। ओके, यहाँ पे इट्स कन्वर्स इज क्या है, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसका हम क्या कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो पी है इसका क्या हम करेंगे, यहाँ पे क्यू हो जाएगा पी, और ये आगे क्यू क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये पी है जो पीछे आ जाएगा, यहाँ पे कन्वर्स किया। और इसके बाद हम इसे लिखेंगे कन्वर्स में इफ़ क्यू क्या है, पहले लिखेंगे करंट डिक्रीजेस। ओके, यहाँ पे करंट डिक्रीजेस लिखेंगे इफ़ करंट डिक्रीजेस देन क्या होगा, पी है तो वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस। ओके, अब हम इसका इन्वर्स करते, इट्स इन्वर्स इज क्या है, पी इफ देन क्यू है तो इक्विवेलेंट। बाद में हम इन्वर्स में क्या करते हैं, आगे पीछे नहीं करते, क्या करते हैं, यहाँ पे निगेशन का साइन लगाते हैं। ओके, क्या कन्वर्स में आगे पीछे करते हैं, यहाँ पे हम निगेशन साइन, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे निगेशन, सिंपल। जब निगेशन पी है, निगेशन पी है तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस क्या हो जाएगा, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस। जैसे कि हमने जो भी पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में डज नॉट का यूज़ किया था, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे डज नॉट इंक्रीज इंक्रीजेस देन। ओके, देन क्या है, निगेशन क्यों है तो करंट डिक्रीजेस क्या होगा, करंट Does not decreases, okay? यहाँ पर क्या होगा, करंट does not decreases हो जाएगा। फिर हमने कन्वर्स कर लिया, इन्वर्स कर लिया, अब काउंटर पॉजिटिव देखते हैं, लिखेंगे इट्स कॉन्ट्रा, इट कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज ओके, तो पी इफ देन क्यू का क्या हो जाएगा, आगे पीछे होके इसमें क्या लग जाएगा, निगेशन लग जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे और क्या, निगेशन क्यू है तो निगेशन क्यू। ओके, तो निगेशन क्यू देखेंगे, यहाँ पे क्यू करंट डिक्रीजेस, तो क्या हो जाएगा, करंट डज नॉट डिक्रीजेस, करंट डज नॉट डिक्रीजेस। ओके, करंट डज नॉट डिक्रीजेस, यहाँ पे नेगेशन पी है तो नेगेशन पी का क्या हो जाएगा, वोल्टेज इंक्रीजेस का वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस। ओके, तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, हमें फिनिश हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं जो स्टेप्स कैसे किए हमने, पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में पी क्यू क्या किया, फाइंड आउट किया पी क्यू क्या, कौन सा जो साइन है वो लगेगा। ओके, इफ़ देन, इसके बाद हमने पी लिखा, क्यू लिखा क्वेश्चन में से, यहाँ पे इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमें इट्स कन्वर्स किया, हमने इसका क्या किया, कन्वर्स किया, उसके बाद इन्वर्स, काउंटर पॉजिटिव। कन्वर्स में क्या होता है, सिंबॉलिक फॉर्म रहता है, वो आगे पीछे चले जाता है, और इन्वर्स में इसमें क्या रहता है, इसमें निगेशन साइन लगता है। ओके, दोनों में आगे पीछे नहीं कर रहा होता, इसमें क्या होता है, निगेशन जो है साइन लगता है। यहाँ पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आगे पीछे होता है और इसमें क्या लग जाता है, निगेशन लगता है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो इन्वर्स है उस पर ध्यान देना है, ये आपको ये दोनों जो है वो क्या होता है, आगे पीछे होता है, बट जो इन्वर्स है वो क्या, आगे पीछे नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट निगेशन लगता है। और यहाँ पे कन्वर्स काउंटर पॉजिटिव में ये क्या होता है, आगे पीछे हो के इसमें क्या लगता है, निगेशन का है जो साइन लगता है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो 1.4 पे
तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो मिल जाएगी। तो आपसे मैं मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।